स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? नो, इट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल नहीं होते, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड ओनली द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। सो दिस इज फॉल्स। सेकंड बी, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। यस, बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑल्दो रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं लेकिन उसके अपोजिट साइड फिर भी इक्वल हुए और पैरेलल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, बिकॉज ट्रू आई हैव रिटन हियर। स्क्वायर्स जो होते हैं उनके सारे साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर के अपोजिट साइड भी इक्वल हुए तो ये रेक्टेंगल भी कहलाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। फॉल्स है, क्योंकि सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं। नेक्स्ट ई, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारे काइट्स रोम्बस होते हैं? नहीं होते, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, काइट्स के सिर्फ दो डिस्टिंक्ट साइड्स इक्वल होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स। यस, सारे रोम्बस काइट्स होते हैं। जो रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो काइट्स में मिलती हैं। जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रैपेजियम। जितने पैरेललोग्राम हैं सब ट्रैपेजियम होते हैं। यस, क्योंकि पैरेललोग्राम के दो साइड पैरेलल होता है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और ट्रैपेजियम के भी दो साइड पैरेलल होता है, तो उस आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम्स ट्रैपेजियम्स होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रैपेजियम। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो ट्रैपेजियम होते हैं। स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं और ट्रैपेजियम के भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इस आधार पे कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो ट्रैपेजियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। उस क्वाड्रिलेटरल को बताना है जिसके चार साइड्स होते हैं और इक्वल लेंथ होती है। तो ये होता है स्क्वायर एंड रोम्बस। रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं लेंथ में। तो इसका सेकंड का आंसर होगा, ए सेकंड का एक आंसर होगा स्क्वायर एंड रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फोर राइट एंगल्स। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें चारों राइट एंगल्स होते हैं? और ये होता है, राइट एंगल्स में स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन करिए कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़ फोर साइड्स। स्क्वायर में फोर साइड होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में भी फोर साइड होता है, इसलिए स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ फोर साइड्स। सेकेंड, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। यस, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट, स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? यस, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एज वेयर ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल। स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर को रोम्बस कहा जा सकता है। स्क्वायर, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 बनाते हैं, स्क्वायर के भी सारे एंगल 90 बनाते हैं। स्क्वायर का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो है पैरेललोग्राम स्क्वायर
रोम्बस और रेक्टेंगल, ये सभी के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों, तो ये होता है रोम्बस में एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्वायर में। थर्ड आर इक्वल, तो ऐसे डायगोनल्स, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स किसके किसके इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, व्हाई एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं वो, जब आप डायगोनल्स इसके बनाते हो तो ये सारे डायगोनल्स जो इसके बनते हैं वो रेक्टेंगल के, वो इनसाइड द फिगर, इनसाइड होते हैं, इनसाइड द फिगर होता है, फिगर के आउटसाइड नहीं जाता, इसलिए अगर वो आउटसाइड जाता है तो उसको कॉन्केव कहते हैं, इनसाइड रहे इसलिए वो कॉन्वेक्स कहलाता है। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हियर, फिगर इज देयर, तो जस्ट ड्रॉ द फिगर। फिगर एक राइट ट्रायंगल है ऐसा, और इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दिया गया, ये डॉटेड लाइन ऐसे, और एक और डायगोनल है इसका नाम है ए बी सी डी ओ। अब इसमें बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी, तो ए बी सी से ओ इक्विडिस्टेंस क्यों होगा। इस फिगर में आप देखते हो कि जैसा फिगर को ड्रॉ किया गया है तो उसके कारण सिंस ए बी पैरेलल हो गया है डी सी के, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करने के कारण देयरफॉर ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। ओके, दिस इज ऑल ऑफ द एक्सरसाइज 3.4। इन दिस वे योर चैप्टर नंबर 3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।